अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाव भाजी बनाएंगे प्रेशर कुकर में आसान तरीके से। बस 15 से 20 मिनट में गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार हो सकती है। पाव भाजी की अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी सारी सब्जियां डलती हैं। इस तरह सब्जियां काफ़ी बार बच्चे नहीं खाते, पाव भाजी बहुत शौक से खाते हैं। तो पाव भाजी बनाएंगे प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी। स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएं, और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। Cooking with Benazir, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। प्रेशर कुकर ले लिया हमने, गरम करने के लिए रख दिया। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इसमें, साथ में 2 टेबलस्पून मक्खन भी। एक बड़ा प्याज डालेंगे छोटा छोटा चॉप करके। प्याज को ज़्यादा नहीं, एक मिनट बस चलाते हुए पकाएंगे। कलर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हल्की सी नरम करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट भून लेंगे चलाते हुए, कच्चापन खत्म होने तक। अदरक लहसुन भुना जाने के बाद 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और बस 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर बहुत कम डालना है। मिर्ची पाउडर डालने के बाद हमने फ्लेम को लो किया है। हाई फ्लेम पर मिर्ची और हल्दी दोनों जल सकते हैं, तो लो फ्लेम पर इसे 10 से 20 सेकंड चलाते हुए पकाएंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा पाव भाजी में। 10 से 20 सेकंड हमने भून लिया। एक छोटी शिमला मिर्च भी डालेंगे छोटा छोटा कट करके। फ्लेम को हमने लो रखा है, बस शिमला मिर्च को आधी से 1 मिनट फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। 2 टेबलस्पून भरकर पाव भाजी मसाला भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून पानी मिलाएंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। ज़रूरी लगे थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे भूनें। पाव भाजी का मसाला डालकर हमने अच्छी तरह से भून लिया है आधी मिनट के लिए। 4 टमाटरों को हमने चॉप कर लिया है चॉपर में, ये डाल देंगे। आप मिक्सर में डालकर प्यूरी भी बना सकते हैं या फिर छोटा छोटा हाथ से भी कट कर सकते हैं। टमाटरों को डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास। फ्लेम को हमने हाई किया है, 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए टमाटरों को भूनेंगे। हाई फ्लेम पर पका रहे हैं तो ध्यान से करें, चलाते रहें, छोड़ ना दें, चिपक सकता है। टमाटरों को हमने गलने के लिए रख दिया है, अच्छी तरह से इसे गला लेना और पका लेना ज़रूरी है। कुछ सब्जियां हमने कट करके रेडी करी हैं। हमने 2 गाजर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, इस तरह से कट कर लिया है छील कर। गोभी का फूल 1/2 कप लिया है हमने। मटर 1/2 कप के आसपास। हमने 1 बीटरूट भी लिया है जिसे हमने छील कर ग्रेट कर लिया है। 1 छोटी साइज़ का यूज़ किया है हमने कलर के लिए, बस 1 छोटी साइज़ का काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, वैसा ही जैसा बाहर हम खाते हैं। बस परफेक्ट तरीके से टमाटर गल गए हैं, ये सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। बीटरूट जल्दी गलते नहीं हैं, इसीलिए हमने ग्रेट कर लिया है। हमने 4 आलू भी लिए हैं मीडियम साइज़ के, रफली कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। फ्लेम हाई करके 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे सब्जियों के साथ मसालों को। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद पानी डालेंगे, तो यहाँ हमने 1/2 लीटर पानी डाल दिया है। बड़ा ही प्यारा कलर आया है बीटरूट डालने से। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद किया है, एक विसल आ जाएगी तो फ्लेम लो करेंगे। 8 से 10 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर सब्जियाँ बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। बाद में इसे खोलकर मैश करेंगे, अच्छी तरह से गलाएं ताकि आसानी से मैश हो जाए। सब्जियां गल गई हैं, बस हमें इन्हें मैश करना है। इस तरह से मैशर की मदद से हम इसे मैश करेंगे। सब्जियां अच्छी तरह गल गई हैं तो आसानी से मैश हो जाएगा और हमारा मिक्सचर अच्छा गाढ़ा भी हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह हमने मैश कर लिया है सब्जियों को। यहाँ अगर ज़रूरी लगे तो इसमें पानी ऐड किया जा सकता है,
लेकिन ये पॉइंट पर गर्म करके पानी ऐड करेंगे। हम चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, फिर ऐड करेंगे पानी। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है क्योंकि पाव भाजी बहुत गाढ़ी नहीं होती है, ऐसी थोड़ी थोड़ी लिक्विड जैसी होती है। फ्लेम को ऑन करके हम इसे लो पर रख देंगे और इसका एक स्पेशल तड़का तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान, तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। बटर में थोड़ा ऑयल भी डालेंगे, एक टेबलस्पून के आसपास, ताकि बटर जले नहीं। हम इसमें एक टीस्पून पाव भाजी मसाला और एक टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। कसूरी मेथी भी डालेंगे, इसे हम रोस्ट करके पाउडर करके रखते हैं। हाफ टी स्पून डाल दिया हमने, इसे हम पाव भाजी पर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हरा धनिया डालेंगे और बस फ्लेम को बंद कर देंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह पाव को सेकना है और सर्व करना है। पाव को सेकने के लिए हमने तवे को गर्म किया है, इसमें हम एक टेबलस्पून मक्खन डाल देंगे। मक्खन जब हल्का हल्का गर्म होगा, इसमें हम थोड़ा पाव भाजी मसाला डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया और बस तुरंत इस पर हम पाव को रख देंगे बीच में से कट करके, और इस तरह से इसे हल्का हल्का दबाएंगे और पलटा देंगे। हमारे गर्मा गर्म पाव रेडी है, तो देर किस बात की, चलिए पाव भाजी सर्व करते हैं।